फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रोबस बाजार पे आपका। आज एक और स्टॉक रडार पे आ रहा है, थिरुमलाई केमिकल। थिरुमलाई केमिकल एक स्मॉल कैप कंपनी है कमोडिटी केमिकल्स की। मार्केट कैप इसका 2024-25 के आसपास का है, 2004-5 करोड़ का मार्केट कैप है, काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है। और वन ईयर के रिटर्न की बात की जाए तो 30% का एक साल का रिटर्न दे चुकी है कंपनी ऑलरेडी। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को अब राइट टाइम है इसको पकड़ना। इसके लिए भी इसका मैं एक मेन रीज़न बता देता हूँ। वॉलेट इन्वेस्टर में जाके जब मैंने चेक किया तो वॉलेट इन्वेस्टर का कहना है कि अगर आप एक साल का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करते हैं तो ये थिरुमलाई केमिकल स्टॉक इज़ अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स वॉलेट इन्वेस्टर का कहना है कि वेरी गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है अगर एक साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इसमें इस कंपनी में 100 रुपये लगाते हैं तो ये आपका 100 रुपये बढ़ के हो जाएगा 275। इट मीन्स यहाँ से आपको 150% की एक रिटर्न्स इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो इस स्टॉक का जून 2022 का क्वार्टर रिज़ल्ट आया था जिसमें इनका क्वार्टर रिज़ल्ट थोड़ा सा ख़राब आया था, थोड़ा सा नेगेटिव आया था, 7.77% डिक्लाइन देखा गया था इनके नेट प्रॉफिट में। लेकिन ये थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो इनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन ज़रूर हुआ था। 65 करोड़ था इनका जून 2021 में, और जून 2022 में इनका 60 करोड़ हुआ था, 5 करोड़ का इनका नुकसान हुआ है। और अगर इनकी सेल्स की बात की जाए तो सेल्स काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, जस्ट डबल हुई है। जो इनका 397 था जून 2021 में, जो कि इंक्रीज़ होकर 621 करोड़ हो गया। इट मीन्स यहाँ से 56.40% की राइज देखी गई है सेल्स में। तो अब इनके चार्ट पे भी नज़र मार लेते हैं, चार्ट क्या बोल रहे हैं थिरुमलाई केमिकल के। थिरुमलाई केमिकल्स के अगर चार्ट की बात की जाए तो काफ़ी टिपिकल चार्ट है इसका। अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमें एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देता है अपसाइड 320, और अगर हम इसके डाउनसाइड की बात करें तो यहाँ पे इसका एक मेजर सपोर्ट बन गया है 222 के आसपास का। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है 234, आज के दिन 234 पे इस क्लोजिंग मिली है। तो यहाँ पे हमें कब एंट्री लेनी है और कहाँ लेनी है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आपको अगर कोई भी फ्रेश एंट्री बनानी है इस स्टॉक में, अगर आप इस स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं किसी एंट्री कुछ एंट्री बनाने के लिए, तो मुझे लगता है इस स्टॉक में आप एंट्री तब बना सकते हैं जब 250 का लेवल टूटता है। 250 का लेवल टूटने के बाद इसमें आपको सबसे पहला टारगेट दिखाई देगा 272 का, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट इसमें आपको 314 तक के देखने मिलेंगे। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी बेटर स्टॉक है। मुझे ऐसा लगता है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इस स्टॉक को काफ़ी ऊपर होना चाहिए था मेरे हिसाब से, फिर भी 400-450 के रेंज में होना था, लेकिन स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्मर है। इस स्टॉक को करंट लेवल से ख़रीदने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जाएगी। अगर स्टॉक में जब तक एक ब्रेक इवन आता नहीं है हमारा 250 का, तब तक इस स्टॉक में कोई एंट्री नहीं लेनी। इसका लॉजिक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एलिगेटर इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है मैंने, अब एलिगेटर इंडिकेटर पे ही सारी कैंडल्स ट्रेड हो रही हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये नीली कलर की लाइन है, ये 200 मूविंग एवरेज है। जब तक ये लेवल हमारा नहीं टूटता है हमें स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। स्टॉक काफ़ी बेहतर है, लेना चाहते हैं हम वैसे करंट स्टेज से भी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिर सकता है। हमें सबसे पहले एक कन्फर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे ही हमें 250 का लेवल टूटता है और हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ से बाइंग स्ट्रॉन्ग है, तब हम स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप करंट लेवल से इसको बाय कर लेंगे तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा गिर के नीचे आ जाएगा और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा डीवैल्यूड हो जाएगा और वहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से 250 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है स्टॉक में आप एंट्री ना लें। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर आप रखेंगे, 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें रखते हैं, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से 500-550 के लेवल तक जाने की एक आशंका रखता है, एक संभावना रखता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आफ्टर 250। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया था। थैंक यू सो मच।